أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله رب العالمين بحمد وسلام وجناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसान की तख्लीक फरमाई, इंसान को पैदा किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जन्नत की बीमारी पर करवा दी है और जहन्नम की बीमारी पर करवा दी है। अब इंसान के आमाल के ऊपर मुखसिर है कि वो नेक आमाल करके जन्नत को अपना मस्कन बना लेता है या बुरे आमाल करके जहन्नम की होलनाकों के अंदर आकर में अगर जहन्नुम के हवाले से तीन बातें आपके सामने से बताना चाहूंगा। नंबर एक, जहन्नुम की वसात। नंबर दो, जहन्नुम के आदाब। और नंबर तीन, जहन्नुम के आदाब से आजादी। पहली बात जहन्नुम की वसात। सही मुस्लिम की हदीस से सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सिरावी है, फरमाते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत जब जहन्नुम को मन बिनाने महशर के अंदर लाया जाएगा तो जहन्नुम को 70,000 नलामे 70,000 जंजीरों के साथ जमा हुआ होगा। मा कुल्ली ज़िमानी सबहुन्ना अल्फ मलिकी, और हर जंजीर के साथ हर लगाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 70,000 फरिश्तों को तायीन किया होगा जो एक जंजीर को 70,000 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ होगा। हदीस के अंदर आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसके बावजूद भी जहन्नुम जो है भाग रही होगी और भिड़क रही होगी। इसी तरह से मुस्लिम की हदीस है जिसके रावी खतीबुल उम्मत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस के अंदर बैठे हुए थे कि अचानक एक जोरदार आवाज आती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हल तदरूनी मा हाज़ा, ये मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो या तुम्हारे पहली में कि ये आवाज किस चीज की थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह व रसूलु आलम, कि या तो अल्लाह ताला जानता है या अल्लाह रसूल जानता है। ये बात कि अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है, इससे बात तो ये भी मुराद देते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मालिकुल गैब थे, इसलिए सहाबा ने कहा कि अल्लाह का रसूल जानते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वमा यत्लिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू यूहा, कि मेरा नबी उस वक्त तक कोई बात नहीं कहता है, उस वक्त तक अपनी जबान से कोई जुमला अदा नहीं करता है, इन हुवा इल्ला वहयू यूहा, जो भी बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल शुदा होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, ये जो आवाज आई है ये हाज़ा हजर, ये एक पत्थर था जिसके गिरने की वजह से ये आवाज आई है। आज से 70 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की जहन्नम के अंदर एक पत्थर फेंका गया था जो मुसलसल 70 साल तक जहन्नम के अंदर गिरता चला गया, गिरता चला गया,
हत्ता के अब जाके जहन्नुम की तह के अंदर हो जाए। और जहन्नुम सगीर की रिवायत है कि नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया कि अगर जहन्नुम के किनारे पे खड़े होंगे कोई कंकर जो है जहन्नुम के अंदर फेंका जाए तो 70 साल तक के भी वो पत्थर जो है जहन्नुम की गहराई तक नहीं जाए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह से सवाल करते हैं कि अतदरूनी मा सिफ़ातु जहन्नम, ए मुजाहिद क्या तुम्हारे को जहन्नम की वसात के जहन्नम कितनी बड़ी है क्या तुम्हारे को इस बात का इल्म है। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि मैंने कहा नहीं मुझे मालूम नहीं है कि जहन्नम कितनी बड़ी है जहन्नम की वसात क्या है। सैयद अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि जान लो कि जहन्नमियों की कान की लोक और कंधे के दरमियान जो फासला है वो 70 साल की मुसाफत के बराबर है। तजरी फीहा औदियतुल कैह वद्दमी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नमियों के कान की लोक और उनके कंधों के दरमियान पी और खून की वादी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जारी कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको महफूज रखे। जहन्नमियों के जहन्नम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार गुनाहगारों को दाखिल करेगा और एक एक इंसान के जिस्म इतने बड़े होंगे कि उनके कान और कंधों के दरमियान वादियां बह रही होंगी। उसके बाद भी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से सवाल करेगा कि क्या तेरे अंदर अभी भी गुंजाइश है क्या तुझे अभी भी कोई चीज़ चाहिए तो वो कहेगी हल बिन मजीद हल बिन मजीद, ए अल्लाह अगर कोई गुनाहगार है अगर कोई तेरी नफरत में तेरे साथ शिरक करने वाला है तो ए अल्लाह मेरा दामन अभी भी इतना वसी है कि तू उसको मेरे अंदर ला दे। सही बुखारी के अंदर आता है नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया कि जब 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 जहन्नम ये कहेगी कि हल बिन मजीद ए अल्लाह तेरे अंदर और गुनाहगारों को डाल तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना कदम मुबारक जहन्नम के ऊपर रखेगा जहन्नम के अंदर रखेगा जिससे जहन्नम जो है वो सिमट जाएगी और करीब हो जाएगी और उसके बाद वो कहेगी बस बस ये अल्लाह मैं फुल हो गई हूँ मैं भर गई हूँ मुझे और जरूरत नहीं। दूसरी बात जहन्नम के आदाबात, जहन्नम के अंदर जब जन्नती जन्नत में चले आएंगे और जहन्नम भी जहन्नम के अंदर चले आएंगे तो जन्नती जहन्नम से सवाल करेंगे कि मां सलाका पूरी सफर ये जहन्नम क्यों तुम्हें किस जुर्म के अंदर किस वजह से जहन्नम के अंदर डाला गया है तो जहन्नम भी तुम्हें चार जवाब देंगे। उनमें से पहला जवाब कि काल उलम तक मिन मुसल्ली कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। काल उलम तक मिन मुसल्ली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें 70-70-80 साल की जवानी दी थी उम्र अदा करी थी हमारे को लेकिन हमने अपनी उम्र जो थी वो जाया करनी थी हम नमाज नहीं पढ़ते थे। जब नबी अलैहिस्सलाम को मेराज करवाई गई नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे जन्नत की भी सैर करवाई गई जहन्नम के आदाबात भी दिखाए गए जहन्नम के औलाद और नाकियां भी दिखाई गई तो मेरा गुजर ऐसे लोगों के पास से हुआ जिनके सर को फरिश्तों जो है फुटकरों के साथ उछल रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फरिश्ते इंसानों के सरों को पत्थर के साथ उछलते हैं जब वो सर उछल दिया जाता है तो उसके बाद सर दोबारा जो है पहले जैसी हालत में आ जाता है फिर फरिश्ते जो है दोबारा उसके सर को उछलना शुरू कर देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील अमीन से पूछा कि क्या वजह है इनका क्या जुर्म था किस वजह से उन्हें यह आज़ाब दिया जा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम को बताया जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम को जिब्रील अमीन बताते हैं कि अल्लाह के रसूल ये वो लोग हैं जो नमाजें तो पढ़ा करते थे लेकिन अपनी नमाजों के अंदर सुस्ती को काबिल किया करते थे। एक तरफ तो कि नमाज पढ़ना ही नहीं है दूसरी तरफ नमाज पढ़ रहे हैं नमाज अपनी जिंदगी के अंदर पढ़ा करते थे लेकिन नमाज के अंदर सुस्ती और काहिली का शिकार हुआ करते थे। इसी वजह से क़यामत वाले दिन उनका सर जो है फुटकर के साथ फरिश्ते पूछेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में जिक्र कर इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नमियों को नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नमी जो है उन्हें अज़ाब दिया जाएगा
उस अजाब जो है इतना सख्त होगा, उसके ऊपर जो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर किए होंगे वो इतने बेरहम होंगे कि जो है वो किसी किस्म की भी नरमी नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इशारा फरमाया कि अलैहा मलाइकातु गिदादु शिदादु ला यासून अल्लाह मा अमरहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम के ऊपर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं जो बेरहम है, बस जो अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आर्डर दे दिया है, जो हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दिया है कि जिस बंदे को जो अजाब देना है वो उसे अजाब देने में लगे रहते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अलैहा मलाइकातु गिलादु शिदादु ला यासून अल्लाह मा अमरहुम। वो फरिश्ते ऐसे हैं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के किसी भी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। तीसरी बात, जहन्नुम से आजादी। कुरान हदीस के अंदर जहन्नुम से आजादी के बेशुमार असबाब मिलते हैं, उनमें से चार असबाब आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा। नंबर एक, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार करना। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی دادا دستگیر نہیں، کوئی غوث اعظم دستگیر نہیں، اور ساتھ میں یہ بھی گواہی دی کہ وأن محمد رسول الله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حرم اللہ علیہ अल्लाह रब्बुल अल्लाह 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 रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स के ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। सैयदना जाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा फरमाते हैं, कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ महफिल के अंदर तशरीफ फरमा होते हैं कि एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम के पास आता है और आने के बाद सवाल करता है कि हल मुजीबत आली, कहता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये बात बताएं कि जन्नत और जहन्नम को वाजिब करने वाली क्या चीज है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मन शहिद अल्ला मन माता ला युशरिक बिल्लाहि शैयन दखल अल्जन्ना व मन माता युशरिक बिल्लाहि शैयन दखल अल्नार। कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस हाल में मिले कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी भी चीज को शरीक नहीं करता होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। वह माता युशरिक बिल्लाहि शैयन, और दूसरा ऐसा शख्स है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो मानता है लेकिन साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीगर को भी शरीक करता है। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब ये नबी अलैहिस्सलाम से जब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करेगा क्या मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को जहन्नम के अंदर दाखिल कर देगा। दूसरा सबब, रोजा रखता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरह नसाई की हदीस है कि अस्सियाम जन्नत मिन नार, ये रोजा जो है ये जहन्नम की आग से खाल है। कजुन्नत अहदिकुम मिनल क़िताल, जिस तरह कोई शख्स मैदान के अंदर जब दुश्मन से वो मर्द मुकाबिल होता है तो वो एक ढाल अपने साथ रखता है जिसके जरिए वो दुश्मन के वार से बचता है, दुश्मन की तरफ से आने वाला जो वार होता है उससे वो अपने आप को महफूज रखता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अस्सियाम जन्नतुम मिनन नार, ये ढाल जो है कियामत के दिन इसी तरह जहन्नम की आग से ढाल होगा। तीसरा सबब, सदका करना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी गर्दनों को बचाओ, अपनी गर्दनों को आग से बचाओ अगर तुम्हें खजूर का एक टुकड़ा जो है वो सदका करना पड़े। यह हदीस अक्सर हम सुनते रहते हैं कि हर आने वाले साई जितने भी मस्जिद के हवाले से जो आते हैं वो यही हदीस सुनाते हैं कि एकदम ना वलो मशी की तम रखो, कि अपनी गर्दनों को आग के अजाब से बचाओ अगर तुम्हें एक खजूर का टुकड़ा ही आजाद खजूर का टुकड़ा ही नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के नाम से सदका करना पड़े। आज जिंदगी में जितना ज्यादा से ज्यादा हो या कम से कम हो,
अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सदका करके अपनी आप को बचा लो, वरना कयामत की हुलाकी तो ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मीहि व अबीहि व सहिबतिहि व बनीहि, कि दिन ऐसा होगा, कयामत का दिन ऐसा होगा कि जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपने वालदे से भागेगा, अपनी आल औलाद और अपनी बीवी से भागेगा। चौथा सबक और आखिरी सबक, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुनन इब्ने माजे की रिवायत है कि दुआ करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को जन्नत के अंदर दाखिल कर देता है और जहन्नम से खुलासे अता कर देता है। सुनन इब्ने माजे की रिवायत है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन साल जन्नत सलास मरात قالت الجنه اللهم ادخله الجنه, जो शख्स दिन के अंदर तीन बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये सवाल करता है कि ऐ अल्लाह मुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दे, तो जन्नत खुद कहती है اللهم ادخله الجنه, कि ऐ अल्लाह इस शख्स को जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। और जो शख्स जहन्नम से खुदासे की दुआ करता है कि ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम से निजात अता फरमा दे, قالت النار اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار, يا الله इस शख्स को तू जहन्नम से निकाल दे, यानी दुआ करने से अल्लाह ताला जो है जन्नत का अगर सवाल करता है शख्स, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत उसे अता कर देता है, और जहन्नम से खुलासे का सवाल करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को जहन्नम से खुलासे अता फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और जितने रमजान गुजर चुके हैं, अक्सर तो रमजान गुजर चुका है, बहुत ही कम रह गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रमजान को हमारी बख्शिश का जरिया बनाए। हादा माइंदी वबिललाह तौफीक व मा अलैना।